हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल। टुडे वी विल स्टार्ट सब्जेक्ट एनरिचमेंट वर्क ऑन द टॉपिक मेजरमेंट। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक शीट पर अपना सब्जेक्ट एनरिचमेंट टॉपिक, सब्जेक्ट और क्लास लिखेंगे। नीचे सबमिटेड टू अपने क्लास टीचर का नाम और सबमिटेड बाय अपना नाम लिखेंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हो, हमारे सब्जेक्ट एनरिचमेंट वर्क का टॉपिक मेजरमेंट है। लेट्स डिस्कस अबाउट इट। हम टोलर और शॉर्टर वर्ड का यूज़ हाइट कंपेयर करने के लिए करते हैं, वहीं हैवियर और लाइटर वर्ड का यूज़ डिफरेंट चीज़ों का वेट कंपेयर करने के लिए किया जाता है। ऐसे ही डिफरेंट मेजरमेंट्स के डिफरेंट यूनिट्स होती हैं। हाइट और लेंथ हम सेंटीमीटर्स और मीटर से मेज़र करते हैं, वहीं वेट हम ग्राम्स और किलोग्राम्स में मेज़र करते हैं। टाइम को हम मिनट और आवर्स में मेज़र करते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस को हम किलोमीटर्स में मेज़र करते हैं। कैपेसिटी को हम मिलीलीटर और लीटर्स में मेज़र करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट मेजरमेंट ऑफ लेंथ। पुराने टाइम में लोग लेंथ को मेज़र करने के लिए हैंड स्पैन, क्यूबिट और पेस का यूज़ करते थे, लेकिन ये मेजरमेंट की नॉन स्टैंडर्ड यूनिट थी, क्योंकि सभी के बॉडी पार्ट्स का साइज अलग अलग होता है। जैसे कि बच्चे और बड़े की हथेली में डिफरेंस होता है, सो इस तरीके को मेजरमेंट का सही तरीका नहीं कहा जा सकता। नेक्स्ट इज यूनिट्स ऑफ लेंथ। जो स्टैंडर्ड यूनिट है लेंथ की, वो है मीटर। एक मीटर 100 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। इट मीन 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सो स्टूडेंट्स, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स दिए गए हैं जिनसे हम लेंथ को मेज़र कर सकते हैं। हम स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को मिलीमीटर, सेंटीमीटर से मेज़र करते हैं, बड़े ऑब्जेक्ट्स को हम मीटर से मेज़र करते हैं, और ज़्यादा डिस्टेंस को हम किलोमीटर से मेज़र करते हैं। आगे देखिए, 10 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के इक्वल होता है, और 1000 मीटर 1 किलोमीटर के इक्वल होता है। नेक्स्ट इज यूनिट ऑफ मास और वेट। वेट की स्टैंडर्ड यूनिट ग्राम होती है। 1000 ग्राम 1 किलोग्राम के इक्वल होता है। स्मॉल ऑब्जेक्ट्स लाइक पेंसिल, इरेजर, शॉर्पनर, इनका वेट कुछ ग्राम्स में होता है। स्कूल बैग, चेयर, टेबल, इनका वेट कुछ किलोग्राम्स में होता है। यहाँ तक कि ग्रोसरी, ग्रीन ग्रोसरी आइटम्स भी किलोग्राम में मेज़र की जाती हैं। स्टूडेंट्स, आगे आप देख सकते हो पिक्चर में कुछ इंस्ट्रूमेंट्स दिए गए हैं जिनसे हम वेट मेज़र कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कैपेसिटी और वॉल्यूम। लिक्विड की मात्रा जिसे एक कंटेनर होल्ड कर सकता है, वह उस कंटेनर की कैपेसिटी कही जाती है। कैपेसिटी की स्टैंडर्ड यूनिट लीटर होता है। 1000 मिलीलीटर मिलकर 1 लीटर बनाते हैं। मिलीलीटर स्मॉल क्वांटिटीज को मेज़र करता है और लीटर बिग अमाउंट को। स्टूडेंट्स, लिक्विड के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसे जैसे जार में हम डालते हैं, ये उसी की शेप ले लेता है। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर मेजरमेंट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। थैंक यू।